चारों लोग खड़े थे तो आपको कहीं इनको अगर तकलीफ है तो दिखवा दो ना कहीं, क्यों और अभी तो आई है कहीं दिखा है संजय गांधी तो ठीक है अभी तो आ रही है तो कहीं और दिखवा दे अगर दिक्कत हो तो फिर दिखवा दो नहीं जैसे उनको छोड़ दिया रिन्यू किया तो फिर उनसे पूछना होगा ना कि भाई मेडिकल ये वाला हिस्सा तो मेरा बहुत लगा है मैं आप लोग के सामने क्या पूरा काला वाला है बहुत जैसे चोर मना कर हाँ बताइए उसमें क्या घटना हुई थी आपके साथ। हमारे यहाँ कोई गार्जियन नहीं था, ना मेरी सास थी ना मेरे पति थे। हम लोग हम और जेठानी मना करने गए, हम लोगों को सचिन और विपिन पीछे से धक्का दे दिए और फिर उसी डंपर वाले को बोल दिए तो हमको मुरुम में गाड़ दिया। नहीं तो आप लोग सड़क बनाने का विरोध कर रही थी, क्यों कर रही थी? हमारे पट्टे की जमीन आपके पट्टे की जमीन में सड़क बनाई? हाँ सड़क जबर कौन बना रहा है? ये गोकरण प्रसाद पांडे, विपिन पांडे और सचिन पांडे। ये सब पंचायत से बन रही है फिर अपने से बन रहा है? अपने से जबरदस्ती, कोई घर में नहीं था, मेरी सास नहीं थी, मेरे पति नहीं थे, देवर नहीं थे, तो जबरन कर रहे थे। हम लोग मना करने गए तो हम लोगों को पीछे से धक्का दे दिए सचिन और विपिन। अच्छा थाने में आप लोगों ने शिकायत की थी क्या इस मामले के लिए? जी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कार्रवाई की पर अभी गोकरण प्रसाद और आकाश पांडे नहीं फंसे हैं। जब ये सड़क बना रहे थे तब आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी, क्या की थी वहाँ? पुलिस पहुंचने में लेट हो गई थी, नहीं पहुंच पाई थी। जब हम सीरियस हो गए फिर हम पुलिस के गाड़ी से गए इलाज के लिए। अच्छा ये काम पहले से भी चल रहा होगा तो इसकी शिकायत आपने क्या विवाद हुआ तक की थी पुलिस? हाँ आज 3 महीने से विवाद चल रहा है। तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्या उस समय? हाँ पुलिस गई समझाई कि 3 फुट सिर्फ रास्ता चलने के लिए मिल सकती है, किसी के पट्टे की जमीन में अदालत चल रही है तो रोड नहीं पड़ सकती है, तो जबरन कर रहे थे ये काम। घर बन रहा किसका बन रहा था बगल में? घर बन रहा था आकाश का। हाँ तो हमारे पट्टे की जमीन में जबरदस्ती रोड डाल रहा था। वहाँ कलेक्टर और प्रशासन पूरा पहुँच चुका है और देख रहा था। आप लोगों को मुरूम पलटाया गया था उस समय वहाँ कौन कौन मौजूद था, क्या कह रहे थे आपसे? जब हमारे यहाँ रोड पर रज्जू पांडे थे और वो बोदा यादव था, मिर्रा यादव था, ग्वाल यादव थे, बहुत सारे लोग थे। कोई बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाने की कोशिश करे वो जल्दी पलट दिया डंपर, आकाश बोल दिया संग किया दिया। तुम नाम बता दीजिए। ममता पांडे। अच्छा आपके साथ उस समय कौन मौजूद था जो एक महिला और थी? हमारी जेठानी आशा पांडे, वो भी दब गई थी? हाँ दब गई थी, यहीं पे बैठी हुई। अभी कैसी तबीयत है आप लोगों की? उसकी तबीयत ठीक है, अभी आप एडमिट है? हाँ एडमिट है। सर हमारे जमीन में जबरदस्ती हमारे परचगना पट्टा था उसमें जबरदस्ती मुरुम डाल रहे थे। हम 4 लोग गए, बोले कि हमारे घर में कोई नहीं, न सास है न पति है न देवर है, कोई नहीं है, अभी मत डालो। वो जबरदस्ती कर रहे हैं, विपिन गौकरण आकाश पांडे जबरदस्ती कर रहे थे। फिर हम दोनों जन को ढोंस के मुरुम के नीचे डंपर के नीचे ढोंस के उनको वो लोग पाट दिए। गौकरण प्रसाद भोसा बोला कि इनको पाट दो, पाट कर इनका मर्डर करेंगे चाहे जब तक नहीं करें, जब मिलेंगे जब करेंगे, इनके घर में जो कोई मिलेगा बच्चे लड़के कोई मिलेगा बच्ची मिलेगी ये मिलेंगे सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेगा। और रोड वो जमीन आपकी है? जी वो जमीन आशा पांडे। जी जी तो क्या पहले 3 महीने से विवाद चल रहा था, पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्या? जिस तरह आए थे बोले कि किसी के जमीन में पट्टे में आप रोड नहीं निकल सकते हैं, रोड नहीं डाल सकते। हाँ वो अदालत लगाए, बोले जब हाई कोर्ट में अदालत लगाए हो जब फैसला हो जाएगा तब करना जो करना, अभी मत कर। बोले ठीक है, उनसे बोले ठीक है सर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले हम कुछ नहीं कर रहे हैं और वो कर रहे हैं बार बार। अभी भी क्या कोई धमकी मिल रही है क्या? जी सर अभी मिल रहा, जब हम कल परसों अपन से रीवा चले आए हैं गंगैया से रीवा घेर दिए हैं तब वो औरत हंसिया लेकर घूम रही थी, जो कोई मिलेगा काट डालूंगी मर्डर कर दूंगी, जो कोई बच्चे लड़के कोई मिलेंगी
तो कोई सर सबको फोन लगा लगा के बोले कि घर के बाहर मत निकलना। तीन लोग गिरफ्तार हो गए हैं और भी कोई बात नहीं? अब कोई नहीं सर, तीन, हाँ तीन जन रहे हैं और बस। अच्छा, ये कार्रवाई अगर पहले हो जाती शायद ये घटना ना होती है, तो मानती है? जी सर, पुलिस वाले ने फोन लगाया जब हाइबा और जेसीबी वाले आए तभी लगाए, वो आने में लेट कर दिए। जब हमें पंचे के ऊपर मुरूम पड़ गई तब आए और निकाल कर हमको पंचे की धरी सीरियस हो गई। हम फिर कुछ बच्चे रहन तो हमारे ज़्यादा अच्छे से होश नहीं रही आए, हम नहीं चीन पावर हमको आई। फिर तो बाद में निकाली हैं, बाद में चीन है, फिर पुलिस आई, फिर लेके सीधे गंगे गंगे में मेडिकल कराएं, एक बार रिपोर्ट करन, फिर सीधे रिफर कर दिए संजय गांधी। क्या नाम आपका? आस्था पांडे। इसमें कल हमने एक जो पीड़ित महिला है उनका विस्तृत फिर कथन और लिया था, और जिसके आधार पर इसमें हमने जो डंपर मालिक है राजेश सिंह उसको भी आरोपी इसमें बनाया है, और जो राजेश सिंह जो डंपर मालिक है प्रदीप कोल जो डंपर का ड्राइवर था तो उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से पांच में से और एक अन्य आकाश पांडे जो इनका जो पीड़ित पक्ष है उसका देवर लगता है दूर से, तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया। तो कुल पांच आरोपी इसमें बने हैं और जिसमें से तीन को गिरफ्तार किया गया, दो अभी फरार हैं, उनके भी गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं।